हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 2019 में 2 मार्क्स में पूछा गया हुआ है। इस बार टोटल दिसंबर 2019 में सॉलिड स्टेट से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ब्रैक्स इक्वेशन से रिलेटेड था, और ये क्वेश्चन हमारा है मिलर इंडिसेस से। तो इसमें हमें मिलर इंडिसेस बतानी है। द मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन के मिलर इंडिसेस एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखा रखा है, एंड पैरेलल टू द सी एक्सिस। जो ये प्लेन है वो किसके पैरेलल है, वो सी एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो मिलर इंडिसेस निकालने हैं, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें इंटरसेप्ट दिखाना होता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक्सिस दिखा रहा है कि ये ए एक्सिस है और ये बी एक्सिस है। इट मीन्स ये ए एक्सिस को शो कर रहा है हमारा, और ये जो शो कर रहा है वो बी एक्सिस को शो कर रहा है। ओके, अब हमें ये देखना है कि जो इंटरसेप्ट है वो ए एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1, 2, इसको हमने 1 मान लिया। ओके, एक पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस 1 माना, तो टोटल कितना गया, 1, 2, 3 एंड 4। ए एक्सिस पे 4 और बी एक्सिस पे कितना है, 1 एंड 2, और सी एक्सिस के पैरेलल है। तो यानी अगर जब भी किसी एक्सिस के पैरेलल होता है प्लेन, तो उसमें इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। ओके, तो इनफाइनाइट हो गया। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट इंटरसेप्ट देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमें देखना होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल निकालेंगे इसका, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 1/4, 2 का क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/∞। ओके, अब 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी अगर हम इसको लिखें तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1/∞ 0। फिर उसे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा आ रखा है इसको हम क्या लिखेंगे, मिलर इंडिसेस अगर निकालने तो हमें इंटीजर के फॉर्म में लिखना पड़ता है। यानी अगर मुझे ये सिंप्लीफाई करना हो तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 से तीनों में ही क्या कर दूंगी, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, 1, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, 2, 2 जा 4, 2, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0। तो ये क्या हमारा मिलर इंडिसेस। ओके, मिलर इंडिसेस आ गई, तो क्या हो गया हमारा कि 1, 2, 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्टली क्या है कि हमें एक बार और समझा देती हूँ। फर्स्ट में क्या है, हमने एक्सिस देखी, ए बी एंड सी, सी एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होता है कि हमें इंटरसेप्ट निकालना होता है, जिसे हम वीज इंडिसेस भी कहते हैं। तो हमारा इंटरसेप्ट निकाला ए बी एंड सी के अलॉन्ग। तो ए में कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, 4, बी में कितना है, 2, सी में सी के पैरेलल है तो इनफाइनाइट होगा। सेकेंड में हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया है, और रेसिप्रोकल में फिर हमने देखा कि 1/∞ की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उसके बाद क्या हो गया, फिर हमने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसे 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, इंटीजर के फॉर्म में लिख लिया। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो वहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 0। तो ये है इसका आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।